यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स विद योर होस्ट आलिया। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने से जहां पूरी दुनिया पर कहीं ना कहीं हर जगह कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आ रहा है और आएगा, वहीं इंडिया में ट्रंप के प्रेसिडेंट बन जाने से एक बहुत पॉजिटिव और ह्यूज इम्पैक्ट आने जा रहा है। सबसे पहली खबर तो ये है कि इंडिया में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 10 ट्रंप टावर बनने जा रहे हैं। 10 ट्रंप टावर्स इंडिया में बनाए जाएंगे और इंडिया की रियल इस्टेट को बहुत फ़ायदा पहुंचने लगा है। जो खबरें हैं वो आपके सामने रखते हैं। कहा ही जा रहा है कि पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप विन इंडिया टू बिकम लार्जेस्ट रियल इस्टेट हब फॉर ट्रंप टावर्स विद मैसिव एक्सपेंशन। अब ये कैसे है? देखिए, आफ्टर मुंबई, पुणे एंड गुड़गांव, ट्रंप टावर्स टू नाउ सेट फुट इन नोएडा, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। ट्रंप जूनियर एंड एरिक ट्रंप लाइकली टू विजिट इंडिया इन अर्ली 2025। एग्जैक्टली, अब फैसला ये हुआ है कि जो ट्रंप हैं वो अपनी फैमिली के साथ, यानी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप अपनी फैमिली के साथ 2025 में इंडिया जाएंगे। और ट्रंप का अपनी फैमिली के साथ इंडिया का विज़िट एक सिग्निफिकेंट विज़िट होगा, एक ऐसा विज़िट होगा जिसके अंदर आप डजन्स ऑफ और हंड्रेड्स ऑफ एग्रीमेंट्स होते देखेंगे। लेकिन वो तो एग्रीमेंट्स होते ही हैं, आपको पता है कोई भी लीडर जब किसी कंट्री या इंडिया, जब भी दुनिया के लीडर्स जाते हैं हम देखते हैं। लेकिन जो इसमें एक बड़ा स्टेप लिया जा रहा है वो ये है कि इंडिया के अंदर 10 ट्रंप टावर बनाए जा रहे हैं। अब ट्रंप टावर वैसे तो दुनिया के कई कंट्रीज़ में हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी ना हो। एक तो ये कि न्यूयॉर्क में, मैं इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हूँ और ट्रंप टावर के सामने मैं बल्कि वहाँ से एक छोटी मोटी वीडियो भी आपके लिए बना दूंगी। लेकिन दुनिया के कई कंट्रीज़ में ट्रंप टावर्स मौजूद हैं। न्यूयॉर्क के अंदर ट्रंप टावर मौजूद है जो कि ट्रंप की रेजिडेंस है। ट्रंप वहाँ पर रहते हैं, वैसे ट्रंप फ्लोरिडा में भी रहते हैं, उनकी रेजिडेंस कई एक कंट्रीज़ में और स्टेट्स में भी है। यानी अगर सिर्फ अमेरिका के अंदर हम बात करें तो अमेरिका की कई स्टेट्स में ट्रंप के घर मौजूद हैं। लेकिन ट्रंप अपनी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर में ही रहते हैं और बड़ा ही एक खूबसूरत वो बिल्डिंग है। लेकिन उसी तरह के टावर्स अब आप इंडिया में भी देखेंगे, और एक नहीं, जैसा मैंने कहा 10 टावर्स। अच्छा, अब ये जो ट्रंप की हिस्टोरिक विन कही जा रही है, जो क्लीन स्वीप उन्होंने किया है, उसमें कहा जा रहा है कि इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू बिकम द लार्जेस्ट रियल इस्टेट हब फॉर ट्रंप टावर्स आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर तो जो भी इम्पैक्ट आ रहा है या आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ इंडिया के अंदर बहुत इम्पैक्ट आने जा रहा है। मेरा ख्याल है कि शायद यही वजह थी कि इंडिया की तरफ से एक ऐसा स्टैंड नज़र आ रहा था डोनाल्ड ट्रंप की विन से पहले कि जिसमें ट्रंप को पसंद किया जा रहा था, ट्रंप के हक में उनका वोट नज़र आ रहा था। जैसे कि पाकिस्तान में जो है वो बाइडन और डेमोक्रेट्स के हक में, कमाला हैरिस के हक में नज़र आ रहा था एक स्टैंड। उसकी भी वजह आप जानते हैं, हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन इंडिया के इसका मतलब है कि कई एक रीजंस के अलावा एक रीज़न ये भी थी कि इंडिया को ये पता था, इंडियन गवर्नमेंट ये जानती थी कि ट्रंप आएंगे तो 10 ट्रंप टावर्स इंडिया के अंदर बनेंगे और उसमें इंडिया जो है एक रियल इस्टेट हब बनने जा रहा है, जहां वो सेमीकंडक्टर की हब बना रहे हैं इंडिया को और टेक्नोलॉजी का हब बना लिया है उन्होंने इंडिया को, और बहुत सारे ऐसे हम देखते रहते हैं स्टेप्स। वहीं पर अब रियल इस्टेट जो है, दी लार्जेस्ट रियल इस्टेट हब फॉर ट्रंप टावर कहा जा रहा है आउटसाइड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। द लाइसेंस्ड पार्टनर फॉर द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जिसके बारे में ये कहा गया है कि ये डिवेलपर्स जो हैं, दे हैव फाइनलाइज्ड 6 न्यू रियल इस्टेट डील्स स्प्रेड अक्रॉस पुणे, नोएडा, मुंबई, हैदराबाद एंड बेंगलुरु, और अगर टोटल करें 8 मिलियन स्क्वेयर फीट विद द US ब्रांड। These are expected to have a sale potential of over 15,000 crore Indian rupee. 15,000 crore रुपए से ज़्यादा की इसकी जो है वो potential कही जा रही है।
इंसिडेंटली इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रंप ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड. अच्छा, ऑलरेडी ये है, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम था, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को भी ना पता हो कि इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रंप ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूएस विद 4 ट्रंप ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स और 3 मिलियन स्क्वायर फीट पर बताया जाता है इसका रकबा. ये आप हिंदुस्तान टाइम्स में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है और भी मीडिया में ये पब्लिश हो रही है. अच्छा, ट्रंप्स इंडियाज पार्टनर जो कि डेवलपर्स हैं has indicated that they have finalized 6 new projects across India, 8 million square feet total and with a sale potential of 15,000 crore. The brand is now all set to enter 3 new markets in Noida, Bengaluru and Hyderabad and come up with repeat projects in Pune, Mumbai and Gurgaon. So this is a huge नज़र आएगी इन्वेस्टमेंट, बल्कि नज़र आ रही है, ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट है आफ्टर ट्रंप विन इन अमेरिकन इलेक्शंस. अब इंडिया के अंदर जो रियल इस्टेट है वो बहुत स्प्रेड करेगा और बहुत फ़ायदा उठाएगा, उसको बहुत फ़ायदा होगा, ये तो है. अच्छा, अब इसमें मैं आपको कुछ और ट्रंप के आने के बाद जो सिचुएशन है वो भी बता दूँ कि ट्रंप ने एक और काम किया है कि ट्रंप अब चाइना पर टैक्सेस और टैरिफ्स लगाने लगे हैं. ये उन्होंने बात कही भी है, मैं आपको ये सुनवाई भी देती हूँ जो उन्होंने बात कही है, आप खुद भी सुन लीजिए. उन्होंने, ट्रंप ने कहा है कि चाइना पर वो मासिव टैरिफ्स लगाने लगे हैं, तो चाइना को बहुत इस वक्त परेशानी हो रही है, चाइना बहुत प्रॉब्लम में है इस वक्त. ट्रंप की विन चाइना के लिए एक जहरे कातिल है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा. इसकी वजह यह है कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो चाइना को मतलब मज़ा चखा देंगे, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा. ट्रंप प्रॉमिस्ड मासिव टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स. ट्रंप ने ये प्लेज किया कि टू स्लैप 60% टैरिफ्स ऑन ऑल गुड्स coming in from China and 10% tariffs on goods imported from all other countries. लेकिन चाइना भी तैयार हो रहा है कि वो इसका जवाब कैसे देगा, क्योंकि चाइना के ऊपर जब टैरिफ्स लगाए जाएंगे तो चाइनीज़ कंपनीज़ तो घाटे में जाएंगी, उनको तो नुकसान होगा, चाइना को अमेरिका से भागना पड़ेगा, चाइनीज़ कंपनीज़ जो हैं उनकी तो दौड़ लग जाएगी और दौड़ना पड़ेगा उनको. लेकिन इसमें चाइना इसका जवाब भी देगा, चाइना इसके लिए तैयारी कर रहा है. तो कहा यह जा रहा है कि ये जो इम्पैक्ट है ये पूरी दुनिया पर होगा, सिर्फ एक चाइना के ऊपर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसमें जो अमेरिका के बिजनेसेस हैं, अमेरिकन बिजनेसेस, उनके ऊपर ये कैसे इम्पैक्ट डालेगा.